हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, आपका मोस्ट वेलकम है अन अकेडमी स्टूडियो वॉल्ट पे। और आई होप कि आप लोग सेशन को एंजॉय करेंगे, कर रहे होंगे, करेंगे भी। थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल है, कनेक्शन है कुछ जो तुरंत कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे सीओ भी 3 मिनट का लेट हो गया था, है ना। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। और आपका मोस्ट वेलकम है अन अकेडमी स्टूडियो वॉल्ट पे। तो कल हमारा 10 AM पे बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यूज होगा, हाई लेवल। तो जो बच्चे आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन देखना काफी जरूरी होगा। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको केवल एक बात बोलना चाहूंगा अपने बैच के बारे में। मेरे तीन बैचेस अभी चलेंगे। एक चल रहा है मेरा बैंकिंग फाइनेंस का, एक LIC का। अगर आपका LIC का इंटरव्यू है, जो भी है, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अपने IBPS PO मेंस के लिए, उसका भी क्रैश कोर्स हमारा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और क्या क्या हमें करना है। हाँ, तो उसके लिए तीनों बैच को ज्वाइन करने के लिए या फिर Unacademy Plus को ज्वाइन करने के लिए आपके पास Unacademy का लर्निंग ऐप होना चाहिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक चूज योर गोल में जाकर बैंक एग्जाम पे क्लिक कर ले, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बैंक एग्जाम पर ही मिलूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मेल किया बाद में, जो SSC लेवल चले गए, कि सर आपकी क्लास नहीं मिल रही है हमें, तो आपको मुझे बैंक एग्जाम पे ढूंढना पड़ेगा। और गाइज, ये है हमारा पूरा टेबल कि आप Unacademy Plus प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप Unacademy को 1 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी 6,000 रुपए, यानी कि 500 रुपए पर महीना आपको पड़ता है आपका Unacademy Plus। 6,000, आप बोलेंगे सर 6,000 थोड़ा महंगा भी तो है। तो एग्जैक्टली में गाइस, अगर हम 6,000 की बात करें तो जरा मेरी बात को समझिएगा। अगर आपको क्वांट में दिक्कत है, क्वांट में, तो इंडिया के कम से कम टॉप 10 एजुकेटर क्वांट के आपको इसी फीस में मिल जाएंगे, इनके नोट्स, इनके कंटेंट, इनके वीडियो, सब कुछ। अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत है तो इंडिया के टॉप 10 अगेन एजुकेटर्स यहां पर होंगे, आपको इसी फीस में, अलग से कोई फीस पे नहीं करनी है, इनके नोट्स, इनके कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सेम इंग्लिश और GMA सेम प्रॉब्लम है तो इंडिया के टॉप 10 एजुकेटर आपको इसी फीस में मिल जाएंगे। जरा सोचिए, ना आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, ना मुंबई जाना पड़ रहा है, ना कानपुर, ना कहीं और। आपको अपने घर बैठना है और इंडिया के टॉप 10 एजुकेटर से पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो इन टॉप 10 एजुकेटर्स की बात करें तो क्या क्या आपको देंगे। आपको यहां पर इनकी पेड क्लास मिल जाएगी, आपको यहां पर इनके फ्री लेसन्स मिल जाएंगे, इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन मिल जाएगा, आप बातचीत कर सकते हो स्टडी बनाने में। ये सब कुछ पॉसिबल है आपको। और आपको मजे की बात, देखो 6,000 फीस पे नहीं करनी है, आपको फीस पे करनी है 5,400। कैसे? जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके सामने ये कोड, आपके सामने ये जगह होगी, यहां पर आपको ये मेरा कोड डालना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देंगे तो आपका जो ये फीस है वो डिस्काउंट हो जाएगी। तो गाइस, AM लाइव, ये मेरा कोड है, AM मीन्स अभिजीत मिश्रा। और अगर आप इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं, आप प्लान कर रहे हैं गाइस, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है और हमको भी इसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, जो मैं बोलता हूं, शायद कोई नहीं बोलता होगा लेकिन मैं बोलता हूं, तो मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है इसमें हमको भी। तो आप चाहें तो हमें इस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं अगर आप Unacademy को ज्वाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आपको दोस्त यार है, सगी सहेलियां, भाई बहन है, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है Unacademy, तो आप जरूर रिकमेंड करें AM लाइव कोड, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और आपने हमारी बात सुनी, AM लाइव कोड। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा उन सारे बच्चों से जो बिगिनर है, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, तो Unacademy आपको 2 साल का एक मॉडल दे रहा है जिसकी फीस 9,600 रुपए है। आप 2 साल के लिए Unacademy को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस कोड से अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको ये फीस पड़ेगी कितनी, 8,640 रुपए। और लास्ट में SSC का नोटिफिकेशन आ गया और आप लोग प्लान कर रहे होंगे SSC का बैच ज्वाइन करने के लिए, या फिर रेलवे की बात करें गाइस, तो SSC की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, UPSC की बात कर लें, कैच की बात कर लें, किसी भी कोर्स को आप लेते हैं तो AM लाइव कोर्स सब में आपको डिस्काउंट दिलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चले गाइस, तो हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राजस्थान। तो इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। भरतपुर, सरिस्का, रणथंबोर एंड गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर दीजिएगा। प्रियंका, नेक्स्ट मंथ भी मतलब हो जाएगा, आप मान के चले 1 अक्टूबर, 1 नवंबर से तब भी टाइम है हमारे पास, क्रैश कोर्स होगा,
रिवीजन हो जाएगा पूरा। वैसे मैं क्लास तो ले रहा हूं शाम को भी। चलिए, तो आप लोग बोल रहे हो कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये राजस्थान में नहीं है, तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर ये बताइए ना फिर। तो गोविंद है कहां पर ये बताइए मुझे, ठीक है। तो गोविंद कहां पे, ये किसी ने बताया नहीं अभी तक हमें। गोविंद उत्तराखंड में, रामा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस स्टेट में है, आंसर दीजिएगा। ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा आज से दूसरा क्वेश्चन। 44 लोग देख रहे हैं, 30 लाइक्स है, एटलीस्ट जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें वीडियोस को। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। और आंसर की बात करें यहां पर तो प्रपेश सर बोल रहे हैं ओडिशा, रमा बोल रही हैं राजस्थान, अलेख्या बोल रहे हैं ओडिशा, सुदीप्ता बोल रही हैं ओडिशा, अर्पण बैनर्जी बोल रहे हैं ओडिशा, एंड द राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजस्थान ए इज राइट आंसर। क्या आप लोगों ने मेरी ट्रिक नहीं पढ़ी थी, छप्पर में वहां पर राम और सीता जी का दर्शन हुआ, तीन लोग थे, प्लान किया था उन लोगों ने। हाँ हाँ रमा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंदन कानन जू इज लोकेटेड एट विच स्टेट, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नंदन कानन जू की हम बात कर रहे हैं, मैं बैठ गया हूं, ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। अब एज हो गई है प्रवेश सर, क्या करें, थक जाते हैं। नंदन कानन जू की बात कर रहे हैं, इज लोकेटेड एट विच स्टेट, और यहां पर आंसर आ रहे हैं पंकज पंत बोल रहे हैं उड़ीसा, नबिता बोल रही है ओ नो, क्या हो गया, ह्यूमैनिटी ओडिशा, ठीक है, एंड द आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर गाइस, वेरी गुड, बढ़िया, फैंटास्टिक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपके तीनों राइट हैं, ह्यूमैनिटी, बहुत अच्छे। द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच स्टेट, बताएं आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा। रमा बहुत अच्छी बिटिया है, मैंने बोला राइट साइड में बैठा। आते हैं बस 5 मिनट, तो भाई थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आते हैं। और आंसर की बात करें, सोनक बता रहे हैं इट वाज डिस्ट्रॉयड इन साइक्लोन मैनी इयर्स अगो, अच्छा सोनक, बहुत अच्छे। चलिए, और प्रोफेसर ने बोला है गुजरात, ह्यूमैनिटी ने बोला है गुजरात, अंकिता बोल रही है गुजरात, वैशाली खुद बोल रहे हैं गुजरात, एंड द राइट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, और गाइज मुझे आप लोग नेक्स्ट मंडे का टॉपिक बता दीजिएगा, स्टैटिक का, क्या आप लोगों को करना है क्वेश्चन आंसर, मैं पहले ही क्वेश्चन बना लूं। द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलिए, प्रोफेसर ने बोला तमिलनाडु, विनोद दास ने बोला केरला, भावना बोल रही है तमिलनाडु, अंगिता बोल रही है तमिलनाडु, बानिश्री बोल रही है केरला, पंकज पंत केरला, अलेख्या केरला, एंड द राइट आंसर इज अरालम, तो गुजरात में है ना, अरालम गुजरात, अरालम केरला में है, अरालम केरला में है, अरालम केरला में है, गुजरात में नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर कंप्यूटर जी से गलत हो गया शायद, केरला इज राइट आंसर, केरला इज राइट आंसर जी। चलिए, द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट, ये तो सिंपल क्वेश्चन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच स्टेट, आंसर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से। भरतपुर, प्रियंका बड़ी खुश हो रही है, बहुत बढ़िया बेटिया, चलो आंसर दो। प्रोफेसर बोल रहे हैं राजस्थान, पंकज पंत बोल रहे हैं, अर्पण बोल रहे हैं, अर्पण बोल रहे हैं धोखा। अर्पण कितनी बार लाइफ में खाओ धोखा, जरा मुझे बताना। आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम सर, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ठीक है ठीक है ह्यूमैनिटी, ठीक है ठीक है। चलिए, द चिल्का बर्ड सेंचुरी, यार मतलब ये तो यार हद है, हद सिंपल क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड डैम्स की आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है,
हाइड्रोइलेक्ट्रिक न्यूक्लियर सब मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक इतने ज्यादा है नहीं है, बहुत ढूंढना पड़ेगा। बहुत बार खाया है प्रोफेसर, आपने भी खाया बहुत बार होगा। चलिए और आंसर की बात करें, हाइडल प्लांट, ठीक है सब मिक्स कर देंगे। आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओडिशा इज राइट आंसर, वेरी गुड। चिल्का जी, चिल्का लेक भी है यहां पर। नेक्स्ट, द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब यार क्या बताऊं मैं, इतना सिंपल क्वेश्चन। प्रीत प्रीत आप ओडिशा से हैं, बधाई हो आपको, बधाई हो। ओडिशा के रसगुल्ले बड़े सुने फेमस है। साई प्रसाद क्या बात है, बड़े खुश हो, नहीं खाया धोखा अर्पण, अच्छा ठीक है ठीक है, बताओगे थोड़ी ना। प्रोफेसर तो बहुत बार खाए धोखा, प्रोफेसर काफी एक्सपीरियंस भी है है ना प्रोफेसर। और आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्पण बोल रहे हैं कि सर प्रोफेसर भी पुराने चावल है मैं नहीं बोला, और देख लीजिए। प्रेरणा आप ये मत पूछो कि प्रोफेसर किसने धोखा दिया, बोला है बहुत खाए हैं, सबका नाम थोड़ी ना बता पाएंगे। यस प्रीत जी, प्रोफेसर कुछ बोल नहीं रहे, नाराज हो रहे लग रहा है। चलिए आंसर इस राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी का सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो पेरियार लगी गया यार, तो मतलब सिंपल है आंसर, हमको बता गया इसका आंसर होगा पेरियार, है ना। और इसका आंसर क्या होगा, इस देखते हैं। और आप लोग, हाँ जी हाँ, पेरियार रिवर केरला में है, तो केरला इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहां पर है। अरे प्रवेश सर नाराज हो गए क्या, मजाक कर रहे थे सर, आप कुछ, आपने कुछ कमेंट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 10 गाइज, आंसर फास्ट। पवन गुड मॉर्निंग, स्वास्तिक बोल रहे हैं सर ये सब ओल्ड क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन लाए। अबे भाई नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बना देंगे, नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वही पढ़ाएंगे। और आंसर की बात करें, आंसर इस असम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर था, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। जी आशा सर, जी आशा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर दें सर, कैसा आंसर होगा। और यहां पर आंसर की बात करें, प्रियंका बोल रही है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल क्या इसका आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप लोगों ने मूवीज में कई बार गुलमर्ग का नाम सुना होगा। स्वास्तिक ये सब मैंने कहां करवाया यार, आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहली बार करवा रहा हूं, नेशनल पार्क में कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं कभी कभी, ये तो मैंने पहली बार करवाया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने आज तक कभी नहीं कराया। जी हां पंकज बिल्कुल सही, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शरावती, सरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। वी हैव फोर ऑप्शंस, चलेगा इस आंसर की बात करें, और इसका आंसर क्या होगा। और गाइस आंसर की बात करें, आंसर इज कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कर्नाटक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। तुम लोग पढ़कर आए हो कि अपने मन अंधाधुंध आंसर दे रहे हो, पढ़े हो ना। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मेरे ख्याल से ये तो इंडिया का बच्चा बच्चा आंसर दे देगा। और अर्पण बनर्जी के सबसे फेवरेट लीडर यही से चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं। हाँ प्रियंका, एग्जिट पोल पे कब से आ भी तो रहा है। अर्पण के सबसे फेवरेट जो लीडर हैं वो यही से चुनाव लड़े थे।
वेरी गुड आशा, बहुत अच्छे। और आंसर की बात करें, आंसर इज केरला, और ऑप्शन नंबर ए राहुल गांधी जी यहीं से सांसद भी हैं। चलिए आगे बढ़े गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? हाँ रमा, राहुल गांधी जी वायनाड। हाँ चलिए, ह्यूमैनिटी बोल रहे हैं महाराष्ट्र, क्या ही सही आंसर है? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बोरी वाइल्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश। थैंक यू भाई। नेक्स्ट, पंगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए पंगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। प्रेरणा थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपकी ये मुराद पूरी होगी। जी प्रवेश सर, और आंसर क्या होगा? आंसर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम इज राइट आंसर। ठीक है रिया, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों के बाद। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोला पाडू इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? रोला पाडू, आशा मैं कमेंट देख रहा हूं, वैसे डिलीट मत करो। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर इस आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 5। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोला पाडू आंध्र प्रदेश। जी नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाराइल इज सिचुएटेड इन? बाराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कहां गए पुराने वाले? नया क्वेश्चन आ गया, देखो आंसर दो। और इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेसर पूछ रहे आसाम, अश्मिता बोल रही है तमिलनाडु, वैशाली बोल रही है आंध्र प्रदेश। और इसका आंसर क्या होगा? आसाम, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी। तो बोरी तो हो चुका अभी हम लोग का, है ना? फिर से क्वेश्चन आ गया, देखिए आप लोग को याद है कि नहीं दोबारा। आंसर इस बोरी, मैंने पूछा था ना जी अभी, एक मिनट रुक जाओ। बोरी यहां मध्य प्रदेश बोरी बोला गया है, और यहां क्या दिया है आंसर? एक मिनट, मध्य प्रदेश है ये, कहां से इतना गलत हो गया यार? देख रहे हैं आप लोग, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है ये गलत है। क्वेश्चन कोई और है और उसमें ऑप्शन कुछ और लगा है, ठीक है चलिए देख लीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज सिचुएटेड इन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन, ये तो बता देंगे आप लोग। लड्डू का दिवाली पर कोई उनका प्लान क्या होगा? उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एंड द आंसर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो महाराष्ट्र में है शायद ना? हाँ महाराष्ट्र, एमपी।
एक्चुअली मैंने इस पे होमवर्क किया नहीं क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक मिनट गाइस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, जवाहर नेहरू बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है इसका आंसर, महाराष्ट्र ही है। मुझे भी मालूम था, कंफ्यूजन था। महाराष्ट्र इज राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। जी, महाराष्ट्र ही है जी। एक बार मैंने कंफर्म कर लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट ड्रामा इज सिचुएटेड इन। सारे क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बडरामा, ठीक है। और गाइस आंसर की बात करें, आंसर इज ओडिशा। सही है, बिल्कुल सही है। ओडिशा इज राइट आंसर, ओडिशा इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दंपा, DAMPA दंपा। ठीक है, आंसर इज जी, आंसर इज मिजोरम। मिजोरम इज राइट आंसर, मिजोरम इज राइट आंसर, मिजोरम इज राइट आंसर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबोहार। चलिए आंसर की बात करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? जी रिया, वेरी गुड। प्रीत, वेरी गुड। अंकिता, वेरी गुड। आंसर इज पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केला देवी। तो ये तो सिंपल है, पहले मैंने पूछा है। केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आंसर दीजिएगा। केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंसर। प्रपेश सर बोल रहे हैं राजस्थान, रमा बोल रही है राजस्थान, सारे बच्चे राजस्थान बोल रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्री विली पुथुर। श्री विली पुथुर इस ये कहां पे, ये आपसे पूछा गया है। और आंसर जल्दी से। और आंसर की बात करें, आंसर आप लोग बोल रहे हो तमिलनाडु, एंड द आंसर इज तमिलनाडु। जी चलिए नेक्स्ट, बोर टाइगर रिजर्व कहां पे है? बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। जी, बोर टाइगर रिजर्व वर्धा में। वर्धा मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बोर, जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट, बिलिगिरी रंगास्वामी टेंपल टाइगर रिजर्व। देख लीजिए, बिलिगिरी रंगास्वामी टेंपल टाइगर रिजर्व। आंसर
रमेश साहब बोल रहे हैं तेलंगाना, ये कर्नाटका है. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. कर्नाटका इज राइट आंसर. कर्नाटका इज राइट आंसर. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सतकोशिया टाइगर रिजर्व. सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहां पे है? सफारी भी बढ़िया यहां की. सतकोशिया की बात करें तो ये कहां पर है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. आंसर इज ओडिशा. अंगुल डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, वहां पर है ये. ओडिशा इज राइट आंसर. बढ़िया. नेक्स्ट, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है. आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? स्वाति बेटा ये तो बहुत कम है. जी वैशाली. और इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर टू, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क कोई है तो वो दुधवा नेशनल पार्क है. हाँ, ये टाइगर रिजर्व भी है, इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है. नेक्स्ट, उदांती एंड सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये कहां, किस स्टेट में, ये आपसे पूछा गया. चलिए आंसर दें. यहां पर ब्लैक लेपर्ड मिलता है, बहुत बढ़िया जंगल है ये. साइंस इन माय ब्लड, आप गए हैं लखीमपुर? जी, हम लोगों ने भी प्लान किया था जाने का लखनऊ से बाइक से, लेकिन तब भी बाइक से जाने लायक था नहीं. मतलब चले तो जाते, आने बातें थक जाते, तो नहीं गए. तो हम लोग ब्लू वर्ल्ड चले गए. ब्लू वर्ल्ड मीन्स कानपुर में वाटर, नहीं वाटर पार्क है. चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. बहुत अच्छे. नेक्स्ट, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, अब ये तो आप लोग बता ही लेंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है. सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछा जा रहा है, न कि नेशनल पार्क. और गाइस आंसर की बात करें सलीम अली, तो क्या इसका आंसर होगा? अरे सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछा जा रहा है ना, गोवा. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, ब्लू वर्ल्ड वो एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक वो है, बड़ा अच्छा वाटर पार्क है. मैं उसकी बात कर रहा था, मैं लेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाटर पार्क की बात कर रहा हूं, कानपुर उत्तर प्रदेश में है. नेक्स्ट, गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर? ओके, साइंस इन माय ब्लड. चलिए आंसर ये प्रोफेसर पूछे झारखंड. बानिश्री बोल रही है गुजरात. विनोद दास पूछ रहे हैं गुजरात. अंकिता पूछ रही है गुजरात, कंफर्म नहीं है लग रहा है दोनों लोग. अर्पण बोल रहे हैं झारखंड. प्रियंका भी कंफर्म नहीं है. आंसर इज गुजरात. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. गुजरात में है ये गागा. ठीक है, नेक्स्ट, चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी. चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है? आकाशदीप कर तुम हो कि नहीं हो? देखो तुम्हारे नाम पर आ गया चिंतामणि. कर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है? चलिए आंसर की बात करते हैं. जी प्रवेश सर बिल्कुल सही. अंकिता पवार बिल्कुल सही. प्रियंका बहुत अच्छे. और इसका आंसर क्या होगा? साउथ कोलकाता, वेस्ट बंगाल. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोनाल बर्ड सेंचुरी, बोनाल बर्ड सेंचुरी कहां पर है ये आपसे पूछा गया है और आपको एक आंसर भी देना है, बोनाल बर्ड सेंचुरी। अच्छा मैंने सुना है कि जो गर्ल्स होती हैं वो काफी क्रिएटिव होती हैं, मतलब डिजाइनिंग विजाइनिंग में या इंटीरियर में, क्या ऐसा है क्या गर्ल्स? बुनाल बर्ड सेंचुरी की बात हो रही है, आंसर दीजिएगा। एंड द आंसर इज कर्नाटका, कन्नड़, कर्नाटका। साइंस सर इंपॉर्टेंट वाले करवा दो, ये क्यों पूछ रहे हो? साइंस इन माय ब्लड, यार देखो मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मैं इतना नहीं हूं कि मतलब यार मैं ये बता दूं कि मतलब कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। होते हैं ठीक है। अब सारी लड़कियां एक काम करेंगी, सारी लड़कियां टेलीग्राम पर अगर आप ऐड हैं मेरे साथ तो मुझे बेटा वॉलड्रॉप की डिजाइन तुम लोग पसंद भेज दो, मुझे अपने दो कमरे में वॉलड्रॉप बनवाने मुझे समझ आ नहीं रहा है और प्रीति से हो नहीं रहा है। विशाल आपका भी मोस्ट वेलकम है, ठीक है। हाँ जितनी भी लड़कियां हैं जो मेरी बहनें हैं वो लोग मुझे भेज देंगे, ठीक है। सिन्नी बेटा भेज देना, प्रियंका डिलीट मत करो मैंने देख लिया। नहीं बनाना नहीं है, आप गूगल पे देख लो। अरे यार मेरा इंटीरियर हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास डिजाइन हो कोई आप गूगल पे देख लेना, आपका घर होता अगर आप डिजाइन करते आप कैसे करते वो समझ के मुझे भेज देना, ठीक है बस। चलो नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज श्री पेनुशीला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पल्लवी बेटा वॉल ड्रॉप्स का। हाँ जो भी बच्चियां हैं अब प्रवेश सर सबकी और नहीं तुम लेकिन मेरी और आपकी बहन है ये मुझे बताएं। वैशाली नहीं वॉल ड्रॉप्स अलमारी मतलब जो लकड़ी की होती है ना, मैं वेट करूंगा सबका आंसर। वार्डरोब भी, हाँ वार्डरोब भी बोल दीजिए, वार्डरोब भी बोल दीजिए, ठीक है वो ही बनवाना है, उसकी मुझे इमेज भेज दीजिएगा। आप लोग ड्रॉप्स तो मैं कर लूंगा, ठीक है। हाँ वैशाली जी 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 प्रोफेसर फिक्स फिक्स चाहिए, आंसर इज आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया बिना डिजाइन है सब लोग। अर्पण तुम चले गए तो वापस आए हो ना अभी। चलो नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज खापरवास बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? प्रोफेसर डायमेंशन बड़ा कमरे बड़े बड़े हैं। हम लोग भी पूरा सब घर की पंचायत कर लेते हैं यहां पे। चलिए आइए आंसर की बात करें गाइस, यहां पर क्या इसका आंसर होगा। और यहां पे विभा बोल रही है हरियाणा, बनशी बोल रही है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा इज राइट आंसर। नविता बेटा आप सेंड तो करो। रिया आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, वो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मयानी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रेरणा ने भेज भी दिया एक। ओ मेरा एप्पल जिंदा है।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए गाइस आंसर की बात करें। प्रवेश सर कोई बात नहीं, कम से कम देख के याद तो एक बार हो जाएगा ना। आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर वन महाराष्ट्र। जी बनेश्री वेरी गुड, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बेटा यही तो दिक्कत है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी सारी है, आपको पता है अकेले महाराष्ट्र में 40 से ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कर्नाटका में 40-50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो अब क्या किया जाए? तो इसका मतलब यही है कि अब थोड़ा बहुत पढ़ा जाए और क्या। अरे ललिता बेटा ऐसा नहीं है, एक बार 15,000 का चूना लग चुका है स्क्रीन का। एंड द आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी लोकेटेड? पढ़िए पढ़िए, हिम्मत मत हारिए, घबराइए मत, पढ़ना तो वही है। एंड आंसर इज कर्नाटक, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लाख बाहोसी सेंचुरी। ये कहां पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के पास। नेक्स्ट, अचानक मार टाइगर रिजर्व, ये तो पता होगा ना, ये तो इंपॉर्टेंट भी है। अचानक मार जी हाँ, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। जी नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज काली टाइगर रिजर्व? तो ये भी आपको पहले क्वेश्चन कराया है, काली टाइगर रिजर्व तो मैंने खुद ही क्वेश्चन कराया, आंसर दीजिएगा। आंसर जी कर्नाटका इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज राजाजी टाइगर रिजर्व? तो ये भी आपको बताया, ये भी सिंपल है। पंकज वेरी गुड। कल आपका बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यू है, सेशन में जरूर आइएगा। प्रपेश सर आप जरूर आइएगा, क्योंकि आईबीबीएस क्लैरिकल के फॉर्म आप भरेंगे जरूर, और उसमें क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखुई टाइगर रिजर्व? ये भी सिंपल इंपॉर्टेंट है। विशाल राजा नहीं, तुम्हें और भी कुछ आता है? बहुत कुछ आता है तुम्हें। पल्लवी पंकज पंत हमारे रॉक स्टार हैं। दो ही पंत तो इसमें रॉक कर रहे हैं, एक ऋषभ पंत और एक पंकज पंत।
आशा, मेरी ट्रिक याद है ना, राजा जी नंदा जी को प्रपोज करने गए थे। प्रियंका, दीपावली पर मैं ऑफ नहीं लूंगा इस बार। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 5। आप लोग सिक्किम सारे बच्चे क्यों बोल रहे हो? हाँ स्वाति, मैं दे दूंगा, मैं आज दे दूंगा, मैं आज दे दूंगा। ठीक है, ये सही है ना, पखुई टाइगर रिजर्व। तुम लोग यार मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो। सही है भाई, मत कंफ्यूज कर रहे हो यार। नेक्स्ट, सही है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ये तो सिंपल है, सब बताएंगे। प्रीत, प्रीत नहीं बेटा, अगर आपका एसएससी है तो नहीं, इकोनॉमिक्स की क्लास भी नहीं है, नहीं आप मत करिएगा। जी बनर्जी साहब, जी हाँ, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बक्सा टाइगर रिजर्व। तो अब तो ये सिंपल ही है। जी अंकिता, वही तो। और इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, पता है ना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नागरोले टाइगर रिजर्व। नागरोले, अब देखो नेशनल पार्क अगर याद होगा तो ये सारे आंसर आप दे लेंगे। जी प्रीत जी, और एसएससी में इस बार करंट अफेयर ज्यादा आएगी, आप शर्त लगा लीजिएगा। एसएससी में फेज वन में करंट अफेयर ज्यादा आएगी। आप मान के चलो 25 में, मैं बोल रहा हूं आउट ऑफ 25, आप मान के चलो 10 क्वेश्चन तो आपके सीए से आएंगे केवल, आप देख लीजिएगा आप लोग। एंड द आंसर इज कर्नाटका, वेरी गुड। नेक्स्ट, सत्यम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पे है ये आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा प्रवेश सर, बढ़िया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बस इतना ही है। अच्छा, अब तो मुझे सामने आना ही है। ठीक है, ये कंटेंट एक दिन पहले खत्म हो गया। एसएससी के लिए आपको नवंबर दिसंबर से शुरू कर देना चाहिए, पढ़कर पड़ेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, आप लोग बोल रहे अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मिनट एक मिनट, हमारे पास अभी जो है करीब 20 मिनट हैं, 17 मिनट हमारे पास हैं। 20 मिनट पे एक काम करते हैं, एसएससी का एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक पढ़ा देते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ देते हैं, उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं आपसे टाइप्स ऑफ मनी मैं पढ़ा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ करेंसी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो इकोनॉमिक्स में आता है एसएससी में। नेशनल इनकम 20 मिनट में हो नहीं पाएगा, बजट हो नहीं पाएगा, प्लानिंग कमीशन हो नहीं पाएगा 20 मिनट में। 20 मिनट में क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए आइए। तो हम लोग विशाल, अभी टाइम है, सब मिल तो रहे हैं हम लोग, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट आई थिंक मैं पहले पढ़ा चुका हूं, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो एक छोटा सा टॉपिक है, सीजीएल का है बेसिकली, मतलब इकोनॉमिक्स के ऊपर है, मुझे तो पढ़ाना ही है, हमारा ये चलता है 1 घंटे का, और आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम्स में, अगर आप इकोनॉमिक्स की मतलब जीएस की बात करते हैं तो। इस बार जो सबसे बड़ा सेक्शन होने वाला है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ा सेक्शन आपका होगा साइंस का, मतलब साइंस का और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स स्टैटिक मिला लेंगे, तो ये दो सबसे बड़े रोल प्ले करेंगे। तो आप मान के चलें कि कम से कम आपके 12-12 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे साइंस से,
और इतने ही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स मिला जुला के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात करें जीएस की, तो जीएस में एसएससी का जो इकोनॉमिक्स से काफी वास्ट है वो भी अपने आप में, और उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप पढ़कर जाएं तो मतलब उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कौन से, ऐसे नेशनल इनकम हमेशा क्वेश्चन आते, इन्फ्लेशन से हमेशा क्वेश्चन आते, लॉ ऑफ डिमांड से हमेशा क्वेश्चन आते, लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ मार्केट से क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो एक बार हम मार्केट की बात कर लेते हैं, बाजार की बात कर लेते हैं। देख लीजिए जो बच्चे बैंकिंग वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स है, कभी ना कभी तो आपके एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। देखिए तो मार्केट की बात करें गाइस, तो बाजार कितने तरह का, इकोनॉमिक्स में हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में बाजार को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, चार पार्ट में कौन कौन सा, पहला मोनोपोली, पहला मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली बाजार, मोनोपोली मार्केट, ठीक है, पहला मोनोपोली। दूसरा ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, उन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं अगर आप इस सेशन को पूरा देख लेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा मोनोपोलिस्टिक, और चौथे की बात करें तो पहला मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और चौथा परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि बीच बीच में इकोनॉमिक्स ने इसमें कुछ एड ऑन भी किया, जैसे मोनोस्पोनी क्या होता है, मोनोस्पोनी या ड्यूपोली, कुछ वर्ड्स भी आए, लेकिन मोटा मोटा चार ही मार्केट होते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इन मार्केट को हम कैसे समझेंगे या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम उसकी बात आपको थोड़ा समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मोनोपोली की, ये मोनोपोली मार्केट क्या होता है, हम उसके बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं गाइस। देखिए मोनोपोली, आपने ये वर्ड कई बार बहुत लोगों के मुंह से सुना है, मेरे मुंह से भी सुना होगा कि हमारा इस चीज में मोनोपोली है, हमारा इस चीज में मोनोपोली है, ठीक है। तो मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, आप ही आप हैं और कोई नहीं है, आप ही आप हैं और कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोपोली की बात करें गाइस, तो हमारे देश में मोनोपोली किस सेक्टर में है, अगर हम बात करें रेलवे की, हालांकि अब कुछ दिन में ये हम लोग कह नहीं पाएंगे, हमारे पास कोई एग्जाम्पल बचेगा नहीं, तो रेलवे इंडस्ट्री जो हमारे देश में है, रेलवे जो चल रही है जो बेसिकली हमारे देश में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चला रही है। आप बोलेंगे सर ये तेजस वाला जो है, तेजस वाले में प्राइवेट आ चुका है, मेरी बात समझिएगा, इस प्राइवेट कंपनी को ठेका किसने दिया, टेंडर किसने दिया, गवर्नमेंट ने ना। मतलब क्या हमारे देश में कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है कि रोड के इस पार गवर्नमेंट का है और रोड के इस पार टाटा का है रेलवे स्टेशन, क्या कुछ ऐसा है क्या हमारे देश में? मैं मेट्रो कोच की बात नहीं कर रहा हूं, आप जाएंगे जब गुड़गांव में तो वहां पर जो रैपिड मेट्रो है वो डीएलएफ वालों ने बनवाया है, या मुंबई में रिलायंस वाले बनवा रहे हैं। मैं मेट्रो की नहीं, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास अगर ट्रेन की बात करें तो उसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ही बनाती है, ना तो हमारे पास रिलायंस की रेलवे है, ना तो हमारे पास टाटा की रेलवे है। लेकिन आई अश्योर यू, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, आज से 50 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अगर मोनोपोली की बात करें तो हमारे देश में रेलवे सेक्टर में केवल और केवल गवर्नमेंट है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, जो गवर्नमेंट कहेगी वो हमको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रेलवे का टिकट हम बढ़ा रहे हैं तो हमको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला कि तेजस एक्सप्रेस अब प्राइवेट हाथों में जाएगी, हमें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बात, है ना। तो मोनोपोली एकाधिकार, तो मोनोपोली का मतलब क्या हुआ गाइस, तो मोनोपोली का मतलब हुआ कैसे कैसे पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, जैसे आप क्या बोलोगे इसमें, सिंगल सेलर मार्केट का मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर केवल एक सेलर है। एक सेलर का मतलब जैसे रेलवे में, राइट, रेलवे के टिकट बिक रहा है तो वो भी सेल हो रहा है ना, तो केवल गवर्नमेंट, सिंगल सेलर मार्केट, ठीक है। और देख लीजिए सिंगल सेलर मार्केट, और क्या होता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड एग्जिट बोलते हैं, मतलब
मतलब ये हुआ कि इसमें रिस्ट्रिक्शन भी होता है, मतलब मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसकी मोनोपोली है वो कभी नहीं चाहेगा उसका कोई ऑप्शन है, उसका कोई ऑप्शन है। तो अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये बॉटल बनाता हूं, ये बॉटल बना के मैं सेल करता हूं और मैं केवल ही बॉटल बनाता हूं, कल को कोई नया फर्म आएगा तो मैं पूरा ट्राई कर लूंगा कि मतलब कि कोई नया फर्म ना आए। फॉर एग्जाम्पल ले ले, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी, एटलीस्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जैसे इंडियन गवर्नमेंट कि रिलायंस का भी रेलवे हो टाटा का भी रेलवे हो। ये अलग बात है कि रिलायंस और टाटा हमारे अंडर में काम कर सकते हैं, हमारे ट्रैक पर वो अपनी ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन उनके अलग से स्टेशन या अलग से इंफ्रा उनका नहीं होगा। तो रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड एग्जिट ये बोला गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब मोनोपोली मार्केट एक ऐसा बाजार जहां पे केवल सिंगल सेलर होता है, ढेर सारे बॉयर है सिंगल सेलर है और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि वो है ही नहीं है। अब जो पर्सन बेच रहा है सामान आपको उसी से लेना पड़ेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, ठीक। चलिए तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए मोनोपोली के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे गाइस तो दूसरे नंबर पे हम क्या बात करेंगे, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली गाइस मैं आपको यहां पर मोनोस्पोनी या ड्यूपोली नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मोटा मोटा हम चार ही पढ़ेंगे ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, तो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है जहां पर फ्यू सेलर्स हो जाए। फ्यू सेलर का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्म तक। तो जहां पर मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट मतलब जहां पर फ्यू सेलर्स हो। लेकिन इस मार्केट में दिक्कत क्या है, इस मार्केट में दिक्कत यह होती है कि इस मार्केट में आपका नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मतलब क्या है कि देखो फ्यू सेलर तो हैं लेकिन कहा नहीं क्या कि चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब हुआ कि मतलब सभी चोर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं सबसे बड़े चोरों का एग्जांपल दूं, पेप्सिको एंड कोक। जी हां, इन्होंने मार्केट को ऐसा कब्जा किया है, ऐसा पकड़ा हुआ है ना किससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब इन लोगों ने क्या किया है, इनके प्राइसेस सेम होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पेप्सी पीते हो आप थम्सअप भी पी रहे हो, अगर आप स्लाइस पी रहे हो तो आप माजा भी पी रहे हो, अगर आप सेवन अप पी रहे हो तो आप क्या है स्प्राइट भी पी रहे हो, है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट निकाले सेम प्राइस के साथ। कस्टमर को पता ही नहीं है कौन सा पेप्सी को कौन सा कोक है, भाई हमें स्प्राइट पीना है, हमें सेवन अप पीना है। आप ध्यान से देखेंगे इनके ढक्कन उठा के, तो इन्होंने एकदम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट निकाले हुए हैं और ये लोग आपस में कंपटीशन भी नहीं करते हैं। मतलब मुझे याद है कि बीच में पेप्सी आई थी 200 ml 5 रुपए की, तो थम्सअप भी था, 5 से 8 हुए 7, 7 में हुए 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एक साथ। यानी ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी एक साथ बनाते हैं। इन्हें कहना क्या है कि देखो भाई पूरे मार्केट में हमारा ही अधिकार है, हम लोग क्यों आपस में लड़े। हाँ यह है कि हम तीसरे फर्म को आने देंगे नहीं। और यकीन मानिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे पेप्सिको और कोक का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे इंडिया में फ्रूटी चलता है, हम लोग पी लेते हैं, एप्पल फिज पी लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो पेप्सिको और कोक के लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं है पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो चोर चोर मसूरी भाई जो मैंने आपसे बोला यहां पर, ठीक। देख लीजिए यहां पे, तो ये सिंगल सेलर मार्केट होता है, उसके बाद नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं इसमें, और साथ ही साथ क्या होता है, वही सेम चीज तीसरा पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड एग्जिट जो मैंने आपको बताया। ये सारे फर्म्स जो हैं ये पूरा ट्राई कर लेंगे कोई नया कंपनी नया ना आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कैंपा कोला आया था, ये बात थे करीब मेरे ख्याल से 1997-98 की, पापा लोग बताते हैं कभी कभी 95 की बात है। तो इसने क्या किया था, इसने पेप्सिको और कोक को अच्छा कंपटीशन दिया था। तो पता है आपको जो पेप्सी आती थी 3 रुपए की, 3 की या 5 की आती थी बड़ी वाली 300 ml वाली, आई थिंक 5 की आती थी, तो 5 रुपए की पेप्सी थी, 5 की थम्सअप थी और 5 से कैंपा बोला था। तो पेप्सिको और थम्सअप ने क्या किया, इन्होंने अपना प्राइस 3 रुपए कर लिया, 3 रुपए
मतलब ये लोग तो जायंट हैं, बड़े हैं, ये लॉस में काम कर सकते हैं, लेकिन बेचारा कैंपाकोला जो है वो नया था और हुआ क्या, जब उन्होंने 5 से 3 किया तो अब भाई कोई क्यों कैंपाकोला खरीदेगा जब 3 का मिल रहा है, पेप्सी और कोक, तो वहां से सेल गिरी, बेचारे ने अपना प्राइस डाउन किया तो उसे प्रॉफिट ही नहीं हो पाया, उसका फर्म बंद हो गया। कई तरीके से मतलब मार्केट को ब्रेक किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़े गाइस। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, यहां पर हम ओलिगोपोली बात कर रहे थे, फ्यू सेलर्स, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड एग्जिट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा देखिए पल्लवी मेरी बात समझिए, इकोनॉमिक्स है और मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटा, तो थ्योरी में लिखा गया तो ये इंपॉसिबल थोड़ी ना है, कोई ना कोई तो ब्रेक करेगा ही करेगा, कोई ना कोई ब्रेक करेगा रहेगा, तो है ही है, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे तो आपको ये पढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं तीसरे मार्केट की, और तीसरा मार्केट जो हमारा है वो कौन सा है, वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इकोनॉमिक्स में बेटा ना एक बात आप समझिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है ये थ्योरी है और लोगों ने जबरदस्ती इसको साइंस बना दिया है, तो कहने का मतलब क्या है, लोग अपनी थ्योरी साइंस बना के बताते हैं कि नहीं यही होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं थ्योरी से, अगर आप थ्योरी की बात करेंगे, है ना। जैसे मोनोपोली, अब मोनोपोली की बात करेंगे तो मोनोपोली अब बचा ही नहीं, कहीं नहीं बचा है, मतलब आप क्या कुछ बोल नहीं सकते, कोई एग्जांपल ही नहीं आपके पास मोनोपोली का। हाँ, अब जैसे बात करें सऊदी अरेबिया की, वहां पर एक कंपनी थी अरमाको, अभी भी है, उसका मोनोपोली था, अभी उन्होंने दूसरी कंपनी खोल दी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यार जहां पे लोग रहते हैं वहां पर दूसरे ऑप्शन तो एक ना एक दिन आने ही आने हैं। लोगों ने तो यहां पे भगवान के ऑप्शंस बना दिए, है ना, किसी ने जीसस क्राइस्ट बोला, किसी ने अल्लाह को बोला, किसी ने भगवान राम बोला, तो ऑप्शन तो हर जगह रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक का मतलब हुआ कि एक ऐसा बाजार जहां पर आपके सामने सेलर्स के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, हम बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कहने का मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहां पर आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। और अच्छी बात क्या है कि इनके सेलर्स के बीच में क्या होता है, इनके सेलर्स के बीच में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इनके प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, आपके पास ऑप्शंस भी होता है। क्यों ऐसा होता है भाई, जहां पर 4 बर्तन होंगे वहां पर टकराने की आवाज तो जरूर आएगी, जहां पर ढेर सारे लोग होंगे वहां पर एक दूसरे से आगे बढ़ने में कंपटीशन लगेगा, और जहां कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी क्वांटिटी प्राइसेस इसमें चेंजेस तो मिलने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने पास रखे सेलफोन की, मेरा सेलफोन कहां गया, अब मेरे पास 2 सेलफोन है, क्या ये दोनों सेम है, एक सैमसंग का फोन और एक एप्पल का फोन है ना। और आजकल तो वीवो ओप्पो इन लोगों ने तो भाई मार्केट ही पूरा पीट दिया है। अभी क्या हुआ कि प्रीति का बर्थडे था, तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने बोला क्या लोगी, तो उसने कार की डिमांड कर दी, तो मैंने बोला कार वार नहीं लेंगे, मिर्जापुर यार इतना बड़ा शहर है नहीं कि आप वहां पे कार, मतलब अच्छा शहर नहीं है। दूसरा यह है कि अगर मुझे बोला जाए, मेरे पास अगर 20 लाख भी होगा तो मैं 20 लाख की बाइक पसंद करूंगा, अपना इंटरेस्ट नहीं है, और कार पड़ी हुई है पुरानी वाली, तो मैंने कहा नहीं, मैं कहा मोबाइल दिला देता हूं तुम्हें, तो मैंने बोला मोबाइल, तो मैंने उसे एप्पल दिखाया, तो एप्पल का फोन दिखाया, उसने देखा, मैं यूज करता हूं, देखा उसने, तो उसने बोला कि लेकिन एप्पल में शेयरिंग की दिक्कत है। मैंने बोला कि हाँ दिक्कत तो है शेयरिंग की, बट फोन अच्छा है। तो उसने बोला कि नहीं, एक आया है फोन वीवो का बड़ा अच्छा, उसमें 45 मेगापिक्सल कैमरा ये वो। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूं, मैंने देखा तो प्राइस कम थी उसकी, तो मैंने कहा कि अब यार तुम्हें देखना लेना लो, लेना मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि इनके प्रोडक्ट आपको सेम नहीं मिलेंगे। मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हमारे पास नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, पता नहीं कौन कौन से फोन अब तो आ गए हैं नए मार्केट, वन प्लस कौन से आ गए हैं, ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक। और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो कम होता है, वो नहीं होता है, मतलब ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, शायद आपको एग्जाम्पल मेरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था,
चौथा हमारा हो जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करें तो जैसा मैंने आपसे बोला कि गाइज इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है जिसे लोगों ने बना दिया है मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स एक सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभिजीत बनर्जी ने जो अपने अपने जो नॉर्म्स दिए, जो अपने इन्होंने बातें लिखी, तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मतलब इकोनॉमिक्स में कल को मैं उनकी बात को गलत भी साबित कर सकता हूं। जैसे जैसे आपके इधर आपकी इनकम बदलती है या मौसम बदलता है या टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज होता है, तो देखो ह्यूमन की टेंडेंसी जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। और इकोनॉमिक्स जो है लोग सोचते हैं कि ह्यूमन की टेंडेंसी के हिसाब से वो अपने आउटकम निकाले। यार मैं आज से 5 साल पहले जैसा था मैं वैसा नहीं रहूंगा, मेरे नीड वांट एंड डिजायर चेंज होंगे, और आज से 5 साल के बाद ये और चेंजेस होंगे, चेंजिंग इज लॉ ऑफ नेचर। तो मैं वही बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स को लोग जबरदस्ती मैथ बनाने की कोशिश करते हैं मेरी नजर में। चलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो देखिए पहली बात तो बेटा ये एक मिथ है, ऐसा मार्केट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो इसकी थ्योरी है वो क्या बोली गई है, ये बोली गई है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इस मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक। लेकिन यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया है बट नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, कि मतलब इनके बीच में कोई प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। मतलब कि आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो भी लोग बेचने वाले हैं वो सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम प्राइस पर आपको सामान बेच रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये एक मिथ है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, अगर इसका लक्षण की बात करें तो जैसे आपका ये अनाज की मंडी होती है, अनाज की मंडी, वहां पर वेजिटेबल्स एंड ऑयल, समटाइम्स ऑयल इंडस्ट्री में भी ये देखा जा सकता है। लेकिन अब ऑयल की बात कर ले, आप पेट्रोल टंकी पर जाओ, आप पेट्रोल टंकी पर जाओ, एक मिलता है एक्स्ट्रा प्रीमियम और एक मिलता है नॉर्मल पेट्रोल, मिलता है कि नहीं? अब ये तो हो गया ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और जैसे फॉर एग्जांपल डीजल पेट्रोल हमारे लिए अलग मिलता है, एरोप्लेन के लिए अलग टाइप का मिलता है और फाइटर प्लेन्स के लिए अलग मिलता है, हो तो गया डिफरेंशिएशन। तो ये कोई मार्केट नहीं है ऐसा, ये मिथ है। आप सब्जी की बात कर लें, अक्सर शाम को आप जाए सब्जी मार्केट में, बड़े मार्केट में, हमेशा आप देखेंगे दो बंदों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, मारपीट होती रहेगी। क्यों क्यों हुई? क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है, प्राइस कम कर दे रहा है। एग्जैक्टली में क्या होता है आपको बताया गया, ये सब्जियां कैसे बिकती हैं, सुबह भोर में ये सब्जी वाले मंडियों से सब्जी लाते हैं, फ्रेश सब्जी, और ये दिन भर बेचते हैं। रात होते होते क्या होता है ना बेटा, कि इनके पास इतना स्टोरेज नहीं होता, सब्जियां खराब हो जाएंगी, इनको पता होता है, तो ये जल्दी जल्दी बेचना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि मतलब पूरे मार्केट में आलू चल रहे 10 रुपए किलो, लेकिन शाम हुई, अब एक बंदे को लगा कि यार नहीं यार जल्दी बेचे, तो उसने बोला आलू 8 रुपए किलो, अब भीड़ वहां चली गई, तो हो गया ना ब्रेक, तो हो गया। मैंने फिर क्या बोला, जहां पर 4 बर्तन होंगे वहां पर टकराने की आवाज तो जरूर आएगी। आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई मार्केट नहीं है, ये मिथ है, मैंने बोल दिया। और अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में तो, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आए कोई भी जाए, तो ऐसा होता है, ठीक है। प्रोफेसर बोल रहे हैं बस का किराया तो इनफॉर्म, तो एग्जांपल है सर्विस भी एक्सपोर्ट नहीं। सर प्रोफेसर कहां जी, जी रमा, ठीक है। तो आई होप कि सर आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज थैंक यू सो मच, आपने बड़े पेशेंसली मेरी बात सुनी, मेरा साथ दिया आपने। और गाइज मिलेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में फॉर करंट अफेयर्स एंड 10 AM पे कल हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। स्वाति बोल रही है कि सोना चांदी क्या आएगा, मतलब हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सोना चांदी। तो मेरी बात समझिएगा स्वाति, मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूं, और मैं जहां मिर्जापुर में रहता हूं ना, जहां मैं रहता हूं मिर्जापुर में, तो बेटा मिर्जापुर में जो गोल्ड आता है, मतलब मार्केट में ही रहता हूं मैं, ठीक है, जो मेरा पुराना मकान है, वो गोल्ड आता है इलाहाबाद से। और इलाहाबाद कहां से आता है? इलाहाबाद में आता है कानपुर से। और कानपुर में कहां से आता है? दिल्ली से। और दिल्ली में कहां से आता है? कानपुर से। अब जो बंदा दिल्ली से उठाता है सोना कानपुर से, उसको कुछ तो सस्ता पड़ता होगा,
हाँ, अब जो बंदा कानपुर वाला दिल्ली से उठाता होगा बेचने के लिए आगे, वो कुछ तो अपना कमीशन रखता होगा। अब जो कानपुर से इलाहाबाद आया वो भी अपना कुछ कमीशन रखेगा। अब जब इलाहाबाद से मिर्जापुर आएगा तो उसका भी तो कुछ कमीशन बनेगा। कहां फिर सेम हो गया, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। साई प्रसाद गुड नाइट बोल रहे हैं। अच्छा प्रियंका सिंह में नहीं आया बेटा यार, इसमें ये तो सिंपल मैंने बताया, मैंने कमेंट पढ़ लिया, डिलीट मत करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।